नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजी न्यूज चैनल टेक्नोडेट प्रेरक। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो विदाउट वाईफाई, विदाउट ब्लूटूथ, विदाउट सेल्यूलर नेटवर्क डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को। और ये जो है वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन ही नहीं, एक फ़ोन से मल्टीपल फ़ोन को आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो ओप्पो जो चाइनीज़ कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस किया है, और वो जो कम्युनिकेशन है उसके पीछे है मैश टेक्नोलॉजी। ये जो मैश टेक्नोलॉजी है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसकी वजह से एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल पर जब सिग्नल लग जाता है तो वो दूसरा मोबाइल जो है वो उसको रिले करता है। नॉट ओनली दैट, वो दूसरे जो मोबाइल है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हेल्पफुल करता है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे ओप्पो ने मैश टेक्नोलॉजी किया है, उसका जो इंट्रोड्यूस करने का जो रीज़न ओप्पो ने बताया वो ये है कि जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, या तो कहीं आप आउटसाइड एनवायरनमेंट में जहां पर सेल्यूलर नेटवर्क नहीं है और 3 किलोमीटर के अंदर अगर आप ओप्पो मोबाइल आपको मिलता है तो डायरेक्टली विदाउट वाईफाई, विदाउट ब्लूटूथ और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली आप एक ओप्पो मोबाइल से दूसरे ओप्पो मोबाइल कर कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ ओप्पो मोबाइल तक की अभी तक लिमिटेड है, आप ओप्पो के अलावा दूसरे कोई मोबाइल पर विदाउट सेल्यूलर या वाईफाई ब्लूटूथ बात नहीं कर सकते। उसका जो प्रोप्राइटरी मैश टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ओप्पो के मोबाइल तक ही लिमिटेड है। सो अगर आपके 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई दूसरा ओप्पो मोबाइल है तो आप डेफिनेटली उसको कॉल कर पाएंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ओप्पो ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो शंघाई में चल रहा है उसमें इंट्रोड्यूस किया है। होपफुली फ्यूचर में वेरी सून ओप्पो उसके मोबाइल में ये इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक चिप जो है जो ट्रांसमिट और रिसीव करती है वो चिप ओप्पो ने उसके मोबाइल में फिक्स किया है। और ये जो चिप है वो दो इतना सारा सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करती है फिर भी बहुत ही पावर एफिशिएंट है। सो दोस्तों, ये था विदाउट वायरलेस, विदाउट सेल्यूलर नेटवर्क और विदाउट ब्लूटूथ ओप्पो का कम्युनिकेशन, जिसको मैश टेक्नोलॉजी, जिस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ओप्पो ने जो नाम दिया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो ओप्पो ने ही अंडर द स्क्रीन कैमरा एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आपको जो सेल्फी कैमरा है वो कहीं पर भी स्क्रीन में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। आपका जो स्क्रीन है वही आपका जो कैमरा लेंस है उसका काम करेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें ओप्पो ने बताया है कि उसका जो सेंसर है उसका साइज भी बड़ा कर दिया है। सो प्रोसेसिंग पावर है जो सिग्नल है उसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो गया है। नॉट ओनली दैट, जो लेंस है उसका एरिया भी बड़ा है, सो वो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। ये जो है वो हाईली ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है ओप्पो का स्क्रीन का मटेरियल जो है उसका बात कर रहा हूँ, वो जो हाईली ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है उसको यूज़ करके ओप्पो ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है। ओनली लिमिटेशन है कि ये जो टेक्नोलॉजी है बिकॉज वो एफिशिएंटली लाइट को पास आउट नहीं कर सकता, जो उसका जो इमेज क्वालिटी है वो इवन दो आपने 12 मेगापिक्सल का कैमरा से लिया हुआ इमेज क्वालिटी है वो नहीं लगता। इंस्टेड 2012 में जो 2 मेगापिक्सल का जो टेक्नोलॉजी था वैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो फ़ोन ने फोटो निकाला और जो इमेज बनता है वैसा एक इमेज क्वालिटी लगता है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए ओप्पो ने सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट किया है, जो वाइट बैलेंस और कैमरा का मतलब फोटोग्राफी के लिए जो भी एनहांसमेंट है वो यूज़ करके आपको बेटर कैमरा इमेज मिलेगा। सो दोस्तों, ये था ओप्पो की तरफ से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो अभी शंघाई में चल रहा है उसका अपडेट। होपफुली आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसा मैश टेक्नोलॉजी और अंडर द डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें कहीं पर भी आपको कैमरा है वैसा प्रतीत न हो, या तो आपको जो कैमरा है वो कहीं दिखाई न दे और जो पॉपअप है उसका भी ज़रूरत न हो, वैसा टेक्नोलॉजी या
मैश टेक्नोलॉजी, जहां पर आप विदाउट सेल्यूलर वॉइस मैसेज, टेक्स्ट या वॉइस कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली एक मोबाइल से अदर मोबाइल को। वैसा टेक्नोलॉजी अगर आपको इंट्रोड्यूस करें तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर अपने YouTube के कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।